नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आज कारगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है और गौरव से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है उस दिन को याद करके जब हमारे सेना के जवानों ने दुश्मन पर विजय पाया था। और ये बहुत ही कठिन था, आसान नहीं था। न जाने कितने ही हमारे देश के नौजवानों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। हमारे सेना के जवानों ने अपने आन बान शान की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। आज देश उन्हें नमन कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। और कारगिल युद्ध में शामिल हुए कई ऐसे नौजवान उस समय के सैनिक हमारे बीच हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि उन पलों को जानने की कोशिश करेंगे कि उस युद्ध को किस जज्बे के साथ, किस ताकत के साथ हिंदुस्तान ने लड़ा था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि हमारी तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ कैप्टन अखिलेश सक्सेना हैं और मुझे बहुत ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में एक किताब उनके ऊपर जो उनकी पत्नी ने लिखी है उसका रिलीज़ हुआ है। बहुत बहुत उसके लिए आपको बधाई सर, और स्वागत है आपका अमर उजाला में। कारगिल युद्ध के एक सैनिक रहे हैं आप, बतौर एक सैनिक वो जो पल होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसे कहते हैं कि जी जान लगा देना अपने देश के लिए। कैसे शुरुआत करें इस बातचीत की, उस वक्त को कैसे याद करते हैं जब युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक के तौर पर आप डटे हुए थे? सो थैंक यू, और सबसे पहले मैं देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की 25th एनिवर्सरी की बधाइयां देना चाहूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी भारत के इतिहास में, और इस सबसे कठिन लड़ाई थी क्योंकि बाकी लड़ाइयों में दोनों फोर्सेस, हम और एनिमी, साथ साथ थे, बट ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एनिमी ने साजिश करके धोखे से हमारी सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था, और एनिमी हमसे लगभग 100 गुना ज्यादा पावरफुल था साजिश के बल पे। बट शायद उसे भारतीय फौजों की ताकत का, उनके जोश के, उनके हिम्मत, उनकी जनून का अंदाजा नहीं था, और इसीलिए हमने ये जो लड़ाई थी जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, सबसे डिफिकल्ट, कठिनाइयों भरी परिस्थितियों में लड़ी गई थी, लेकिन हमने इस पे विजय प्राप्त की। तो आप, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि लड़ाई 25 साल पहले हुई थी, ये लड़ाई लड़ी गई थी कारगिल, लेह लद्दाख, दराज की पहाड़ियों में। और क्यों उन पहाड़ियों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उन पहाड़ियों के साथ साथ NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 उनके साथ होकर निकलता है, जो ये पहाड़ियां उसके साथ साथ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को हमारे देश का नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी रोड है जिससे समर के टाइम में आपका सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख पे सारा रसद, सारी सामग्री जाता है जिससे आप विंटर में सर्वाइव कर सके। सो एनिमी का लार्जर गेम प्लान था कि उन सब पहाड़ियों को, जो विंटर में खाली रहती थी दोनों तरफ से, चुपचाप आके कब्जा करो, और राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई भी सप्लाई लेह लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर की तरफ मत जाने दो, कंटिन्यूअसली वहां पे फायरिंग करो, आइसोलेट करो विंटर में लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर को। एंड एनिमी का जो लार्जर गेम प्लान था, मंसूबा था, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना और लेह लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इंडिया से काट देना। उनकी इस साजिश में वो 99% सक्सेसफुल भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी की नजरों में आए बिना बहुत सारे अपने हजारों सैनिकों को दो दो तीन तीन के स्मॉल ग्रुप में, जिससे सैटेलाइट से डिटेक्ट ना हो, पूरे व्हाइट कपड़ों में भेजना शुरू किया। और जब तक समर ऑफ 99 आया, लाइक अप्रैल मई में, उन्होंने उन सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर बैठा है, चट्टान के ऊपर पीक पे बैठा है, वो 100 times मोर पावरफुल है, क्योंकि वो अगर पत्थर भी फेंकेगा तो नीचे कैजुअल्टी होगी। टेम्परेचर इस जगह -28°C था, इवन सांस लेना डिफिकल्ट था, और ऐसे में हम लोगों ने जो चढ़ाई करी एनिमी से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए, उन खड़ी पहाड़ियों पे जहां पे 85° का ग्रेडियंट था और एनिमी चारों तरफ माइन लगा रखी थी, क्योंकि उसको पता था कि दुश्मन आएगा तो इन्हीं रास्तों से आएगा, हमने आगे चढ़ना शुरू किया और हर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। मतलब इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मोस्ट डिफिकल्ट वॉर थी। एनिमी के जीतने के चांसेस 99% थे, हमारे जीतने के चांस 1% भी नहीं थे,
बट फिर भी ये गौरव है भारतीय फौजों का और वो जोश है कि हमने इस इम्पॉसिबल से जीतने लगने वाली जो लक्ष्य था उसको हासिल करके दिखाया। अब कैप्टन अखिलेश अपने बारे में बताइए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, पोस्टिंग कैसे थी, और जब ये पता चला कि वी आर एट वॉर, जब ये आपके अधिकारी आपको बताते हैं, अपने सैनिकों को बताते हैं वी आर एट वॉर, उस वक्त क्या होता है? क्या इस पल के लिए हर एक सैनिक चाहता भी है कि उसके उसको ये मौका मिले वॉर फ्रंट पे जाने का, या फिर एक झटका भी लगता है कि अरे आखिर ऐसा क्या क्या चैलेंज आ गया बॉर्डर पे, तो ये वो क्या सिचुएशन होता है? क्योंकि हमने कई फिल्में देखी हैं, उन पलों को किस तरीके से लाया गया है पर्दे पर उसको हमने देखा है, लेकिन आप तो जिसे कहते हैं कि रियल हीरोज ऑफ आर कंट्री, तो वो आप एक रियल हीरो हमारे सामने है जो उस वॉर फ्रंट पे भी था, क्या हुआ था उस समय, सब कुछ बताइए विस्तार से। मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और मेरी शादी हुई, नई नई शादियों के हम फिरोजपुर में, मैं अपनी वाइफ के साथ आया और हम अपना सामान सेटल ही कर रहे थे, अभी हम सही से अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, अचानक मेरी पोस्टिंग आई जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और वो एसओएस पोस्टिंग थी। एसओएस पोस्टिंग होता है सेव अवर सोल, मींस इट्स अ वेरी अर्जेंट पोस्टिंग, इमीडिएट हमें ज्वाइन करना था, तो मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट मेरी वाइफ के लिए था जो टोटल सिविलियन बैकग्राउंड से आई थी और अभी आर्मी के अंदर कदम रख ही रहे हैं कि अचानक उसके पति को वॉर फ्रंट पे बुला लिया गया है। तो लेकिन उस समय भी देखिए, जब हम आईएमए से पास आउट होते हैं ऑफिसर बनने से पहले तो एक अंतिम पग होता है, उस अंतिम पग को क्रॉस करते ही हम ऑफिसर बनते हैं, लेकिन हम एक शपथ लेते हैं और वो शपथ होती है कि किसी भी परिस्थिति में, हर स्थिति में माई नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एट एवरी टाइम, द वेलफेयर, द सिक्योरिटी, द प्रेस्टीज, द ऑनर ऑफ माई नेशन विल कम फर्स्ट ऑलवेज एट एवरी टाइम, द मैन हुम आई कमांड, माई कुलीग्स, माई जवान, दे विल कम नेक्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, देयर वेलफेयर, माई ओन वेलफेयर, माई ओन सेफ्टी कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो ये हर फौजी के लिए जब वो यूनिफॉर्म पहन रहा है उसके लिए बहुत क्लियर है कि देश सबसे आगे आता है, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए जब हमें ये आदेश मिला तो आई थिंक ये गौरव का पल था, क्योंकि आप वो यूनिफॉर्म पहनी उस पल के लिए रहे हो जब आप अपने देश की रक्षा कर सको। और मैंने अपनी, मेरी वाइफ देहरादून चली गई और मैंने कारगिल की तरफ मार्च किया। हर पल हमें ये पक्का पता था कि हम इस जीत को हासिल करेंगे। हाँ, कैसे जीत को हासिल करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जो पहला लक्ष्य हमें मिला वो थी टोलोलिंग की पीक, और टोलोलिंग की पीक ऐसी पीक है जो कि बिल्कुल NH1 तक आ गई थी और उसके ऊपर दुश्मन बैठा था, वो हमें हर समय देख सकता था। जब हमें टू राजपुताना राइफल के साथ था, उनका FO और आर्टिलरी का सारा फायर कंट्रोल कर रहा था, मैसिव गन्स लाइक बोकोर्स 105 एंड ऑल। जब हमें ये आदेश मिला तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविन्द्रनाथ, उस समय कंडीशन ये थी कि 4-5 अटैक उससे पहले हुए थे और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट हमसे पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पे अटैक किया था। मेजर विकास अधिकारी बहुत वीरता से लड़े, लेकिन टोलोलिंग के लास्ट में लगभग 300 मीटर का पूरा क्लिफ है, बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान है, चारों तरफ वहां एनिमी ने माइन लगा दी थी और एनिमी हमें हर पल देख सकता था, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों पे पेड़ नहीं है बड़े बड़े, आपको कोई छुपने का साधन नहीं है, तो जैसे ही आप अटैक शुरू करते हो एनिमी ऊपर से आपको देख सकता है। उन्होंने उस पहाड़ी पे वीरता से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी बॉडी उस समय भी वहां थी, क्योंकि हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाए जी। कर्नल विश्वनाथन, उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट अटैक लीड किया, लेकिन उन्होंने भी वीरगति को प्राप्त किया। तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी, और आर्मी में हम एक शपथ लेते हैं कि आई विल नॉट लीव माई बहन बिहाइंड, डेड और अलाइव आई विल गेट यू बैक। सो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपने उन साथियों की जो बॉडी थी उसको वहां से लेके आए और उनको सही संस्कारों के साथ, उनको पूरा सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जब मैं कर्नल रविन्द्रनाथ से मिला, उन्होंने मुझे बोला, कैप्टन अखिलेश मैं आर्टिलरी के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो आर्टिलरी का फायर है वो एनिमी जो टॉप पे बैठा हुआ है, इतना भीषण फायर होना चाहिए जब हमारे जवान, हमारे कमांडो ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो अपना सिर ना उठा सके एनिमी और हमारे लोगों के ऊपर फायर ना कर सके। अगर हमें इतना टाइम मिल गया कि वो 3-4 घंटे लगते उन सीधी पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, आप अपने पीछे
45 किलो का वेट लाट के जा रहे हैं जिसमें आपका आर्म्स एंड एब्डक्शन है, तो आप जिस टाइम कर रहे हैं उस समय एनिमी का सिर्फ नीचे रखना होता है कि वह हमारे कमांडो पे फायर ना करें। यानी कि आप कवर दें अपने सैनिकों को कि हम कवर दे रहे हैं पीछे से, हम भी फायर कर रहे हैं और फिर हमारी सेना को ऊपर चढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही, यस। तो ये एक रणनीति का बहुत बड़ा पार्ट था, ये एक रणनीति का बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि पहाड़ की लड़ाई में आपको बिना इस आर्टिलरी कवर फायर के आप एक कदम नहीं चल सकते, दुश्मन आपको इमिडिएटली शूट कर देगा, राइट। उसके अलावा ठीक है, हम सब सैनिकों को देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने हैं और उसके लिए उसका धर्म है देश के लिए लड़ना, बट हमें ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हर सैनिक किसी का बेटा है, उसके बूढ़े माँ बाप गांव में वेट कर रहे होंगे, हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हों जो अपने फादर का वेट कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वाइफ पूरे टाइम एक अपने जीवन साथी का वेट कर रही है। अगर वो उसे जानते हुए कि मेरा लक्ष्य इतना डिफिकल्ट है और मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा, तो हो सकता है मैं खुद अपने बच्चों को अनाथ करूं, हो सकता है खुद मेरी मैं अपनी वाइफ को विडो कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जा रहा हूं जहां से शायद मैं वापस नहीं आऊं। ये जानते हुए भी केवल सैनिक एक ऐसा है जो कि फिर भी वो कदम बढ़ाता है, लेकिन जब हम इस अटैक पे जा रहे होते हैं तो हम लास्ट लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उनसे दोबारा कभी जो अपनी फीलिंग्स है वो व्यक्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इस अटैक के लिए जा रहे थे जो बहुत भीषण था, हमने सोचा था या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे, तो मैंने और मेरे बहुत साथियों ने ये लास्ट लेटर लिखा था अपनी फैमिली को, और ट्रेडिशन ये होता है कि उसको आप ऐसे लिखते हो कि जैसे आप वापस नहीं आओगे और ये आपका लास्ट संदेश है अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप उसको लिख के सील करके उनका नाम लिख के अपने बॉक्स में या अपने बैग में बंद कर देते हो, फिर आप अटैक के लिए जाते हो। अगर आपने इस डिफिकल्ट अटैक को जीत लिया तो आप आके उसको फाड़ देते हो लेटर को। अच्छा। और सेलिब्रेट करते हो क्योंकि आपने एक तरह से मौत से जंग जीत ली है और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन अगर आप वीर गति देते हो अपने देश के लिए, तो आपका बॉक्स, आपका बैग आपकी फैमिली के पास जाता है, और जब आप वो लोग उसको खोलते हैं जिसका नाम लिखा होता है, तो पहला शब्द यही होता है कि माँ जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग से, आसमान से मैं तुम्हें देख रहूंगा। तो मैंने भी अपनी मदर को लिखा था, लाइक कि मदर फादर को, कि मैं आपका ध्यान रखना चाहता था, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए बेटे होने के नाते जब आप लोग बीमार हो गए या आप लोग व्हेन यू ग्रो ओल्ड, लेकिन जब वो स्टेज आएगी तब मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ से ऊपर भारत माता को चूज कर रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये जिंदा रहते हुए भी मौत की तरफ कदम बढ़ाना और ये लास्ट लेटर लिखना, गोलियों की बौछार से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अपने इमोशंस को काबू करना जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हो जहां पर आपको पता है कि कल शायद आपका लास्ट डे हो। कैप्टन अखिलेश, आप ये बात कह रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, क्या वो पल होगा? और जो बलिदान है वो सिर्फ सेना का नहीं है, उनके परिवार का भी है, जिनके हाथों में ये चिट्ठी आती होगी वो क्या महसूस करते होंगे? वो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे आंखों में बिल्कुल आंसू है। और बताइए फिर किस तरीके से वो चिट्ठी आपने लिखी और चिट्ठी लिखकर फिर आप आगे बढ़ गए, तो जब आप वॉर फील्ड में जब पहुंचते हैं तो क्या एक पल को भी किसी का चेहरा झलकता है? मतलब आपके बात होती होगी क्या पत्नी का चेहरा, माता पिता, बच्चे, क्या बातें होती हैं सैनिकों में, आपस में क्या बातें होती हैं? लेकिन जब हम फर्म बेस पे होते हैं, नीचे होते हैं, तब सारी फोन की लाइन उस समय सारी कट चुकी थी, जो नीचे जब हम नीचे होते हैं, ऊपर तो आपकी जब आप अटैक के लिए जाते हैं तो 8-8, 10-10 दिन आपकी कोई बात नहीं होती क्योंकि वहां पे कोई संसाधन नहीं है। उससे पहले जब बात हुई थी, जब हम नीचे बेस में थे, वो भी 2-4 सैटेलाइट फोन थे जिससे कि आपका कभी कभी नंबर आता था, तो मैंने अपनी वाइफ को यही बोला कि मैं अगले 8-10 दिन आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देश के लिए जा रहा हूं, मैं डिटेल नहीं दे सकते थे, हम लोग अपने फैमिली के साथ भी डिटेल शेयर नहीं कर सकते थे कि हम किस मिशन के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उस लेटर में मैंने अपनी वाइफ को यही लिखा कि हमारी अभी शादी हुई थी और हमने कुछ ही दिन साथ गुजारे थे, शायद हमारा इतना ही साथ था, लेकिन अपने पति की इस वीरता का, इस शहादत का हमेशा गर्व करना और दुख नहीं मनाना, क्योंकि अगर मेरा दूसरा जन्म भी होगा
तो मैं फिर वो भारतीय सैनिक बनूंगा और फिर अपने देश के लिए लड़ना चाहूंगा। तो जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, मैं अपनी पूरी इच्छा से करने जा रहा हूं, क्योंकि इस भारत की रक्षा के लिए, इसके सम्मान को बचाने के लिए और जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ऊपर रखने के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। दिस फ्रीडम इज नॉट फ्री, कुछ इट नीड्स सैक्रिफाइस, और हम में से कुछ लोगों को वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये यूनिफॉर्म मिली है और आज मुझे इस मौत का और इस मौत की तरफ जाने का सौभाग्य हुआ है। नहीं तो आपकी मृत्यु तो सड़क पे रोड से भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है, लेकिन शायद ये मौत उन सबसे ऊपर होगी। और एक जब आप बहुत बड़े लक्ष्य के लिए और पर्पस के लिए कर रहे हैं, जहां आपसे ऊपर आपका देश और आपके पूरे देशवासी आते हैं। सलाम है इस जज्बे को, और ये बातें अगर जो नौजवान अमर उजाला के माध्यम से सुन रहे होंगे तो वो समझ सकेंगे कि आपके लाइफ का एक पर्पस होता है और उस पर्पस के लिए जान भी न्योछावर करना पड़े तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं लगता। तो आगे मुझे बताइए कि कारगिल का आपने वॉरफ्रंट तो बताया कि वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टॉप पर एनिमी है, किसी भी टाइम आपको शूट कर सकता है। तो आपके जिम्मे जो था वो जो जिसे हम कहते हैं कि गोला बारूद, ये चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ना था, तो वो कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने कवर दिया और क्या आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए? हाँ, तो 12 जून को हमने टोलोलिंग का अटैक शुरू किया था। जब 11 जून को हमने ये लेटर लिखा और सिर पे हमने केसरिया बाना बांधा था, क्योंकि हम 2 राजपुताना के साथ लड़ रहे थे और उनका ट्रेडिशन होता है कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं और ऐसी जंग के लिए जा रहे हैं, जैसे जब वो मुगल से लड़ते थे राजपुतान, कि अगर हम या तो जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे, तो एक सिंबल होता था केसरिया बाना, जो सारे जो उनके बहादुर सैनिक बांधते थे, और स्त्रियां जौहर करती थी और ये लोग ना लौट के ना आने के लिए जस्ट अपने लास्ट उसके लिए निकलते थे। उसी तरह हमने एक सिंबल करा था और हमने ये अटैक शुरू किया। इनफैक्ट हमने अपना खाना पीना सब कुछ अपने बैग से निकाल दिया था। हमने डिसाइड किया था कि हम केवल अपने साथ कैरी करेंगे अपना आर्म्स एंड एमनीशन, क्योंकि अगर खाना पीना नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन अगर आर्म्स एमनीशन खत्म हो गए तो शायद हम एनिमी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो लगातार 12 और 13 जून को लड़ाई चलती रही और मैंने आर्टिलरी का बहुत मैसिव फायर टोलोलिंग के ऊपर डाला, 120 बड़ी गन्स। और जब मैं आपको आर्टिलरी का शैल बताऊं, ये लगभग 42 किलो का शैल होता है और इसका किलिंग जोन 200 मीटर तक जाता है और ये बहुत विध्वंस करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। तो इतना फायर हमने एनिमी के ऊपर किया कि हमने आप उनके बहुत सारे बंकर्स को ध्वस्त कर दिया। कुछ लोग वहां से भाग गए, कुछ लोग और नीचे बंकरों में आके लड़ाई करते रहे और कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे हमारी फौज को बहुत सपोर्ट मिला और हम आगे बढ़ते रहे। तो मैं आगे बढ़ा था फौज के साथ और अपनी एनिमी का आर्टिलरी का फायर एनिमी के ऊपर कर रहा था। और फाइनली 13 जून को हमने टोलोलिंग, जो पूरी लड़ाई का सबसे कठिन पीक था, जिसको कारगिल का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, उस दिन हमने उसके ऊपर झंडा फहरा दिया। इनफैक्ट ये एक ऐसी जीत थी जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हर चीज इसमें विपरीत थी। और आज भी खाली इंडिया में नहीं, बहुत सारी केस स्टडीज है इसके बारे में। मैं जी आपको ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये बुक है जो आज ही रिलीज हो रही है, ये कारगिल युद्ध के बारे में है, हमारी लाइफ के बारे में है और उन पलों को जो हमने एक एक पल को उसमें जिया है उसके बारे में है। तो आपको जरूर इसमें एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा कि कुछ भी हो जाए आपको अपना धैर्य नहीं खोना है और हमेशा हार नहीं माननी है। इस लड़ाई के बाद हम दूसरी लक्ष्य के लिए गए जो हम था, और 3 दिन बाद, क्योंकि टोलोलिंग जीतने के बाद हमारा जो जोश था बहुत हाई था, उस पर हमने जीत हासिल करी। और जो उसके बाद 0.514 जीता था उसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को चांस मिला था। उसके बाद हम 3 दिन, मैं और कैप्टन विक्रम साथ थे, अगली लड़ाई की रणनीति बना रहे थे। और आई मस्ट से कि उन 3 दिनों में विषम परिस्थिति में जब हम साथ रहते हैं तो हम बहुत क्लोज हो गए थे। इनफैक्ट मैंने कैप्टन विक्रम को प्रॉमिस किया था कि युद्ध के बाद हम जीतेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और उनका प्लान था मैरिज का। और मैंने बोला था मैं जहां भी पोस्टेड होऊंगा मैं आपकी मैरिज के लिए जरूर आऊंगा और हम साथ मिलके डांस करेंगे, बट शायद नियति को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने उस अटैक को तो जीता बट अगले अटैक में अपना सर्वोच्च बलिदान किया। मैं अपने लास्ट अटैक
जो थ्री पिंपल्स का अटैक था जो हमें 28 जून को मिला था, हमें अगला अटैक जो मिला हमें उसकी तैयारी करनी थी। उस अटैक में जो सबसे डिफिकल्ट बात यह थी कि टोलोलिंग के अटैक में डार्क मून था, एनिमी हम सारे अटैक नाइट में होते थे जिससे एनिमी हमें आराम से देख ना पाए और अंधेरे का जितना भी लाभ मिले हम ऊपर चढ़ सके। बट 15 दिन बाद जब हम दूसरे अटैक के लिए जा रहे थे तब तक फुल मून नाइट हो गई थी और फुल मून नाइट में एनिमी हमें साफ देख सकता है रात के समय भी कि हम कब अटैक शुरू कर रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये कि जब एनिमी आपको देख रहा है और वो कंटिन्यूस फायर कर रहा है और आप इन सीधी पहाड़ियों पे यू नो 45 किलो का वेट अपने कंधे पे लेके बिल्कुल सीधी पहाड़ियों पे चढ़ रहे हो या रस्सियों का सहारा ले रहे हो तो हर कदम मुश्किल होता है। जैसा उम्मीद थी एनिमी हमें देख सकता था, तो जब अपने फर्म बेस पे थे तभी उसने इतना फायर किया कि अटैक शुरू करने से पहले ही हमारे काफी सैनिक घायल हो गए थे और एनिमी को लगा कि शायद अब हम ये अटैक आगे नहीं बढ़ाएंगे। बट ये भारतीय सेना थी, हमने फिर भी सोचा कि हम अटैक रोकेंगे नहीं, हम अपने प्लान के मुताबिक अपने जो साथी थे जो घायल हो गए थे उनको हॉस्पिटल पीछे भिजवाया और बाकी लोग आगे चल दिए अपने लक्ष्य की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे एनिमी हमें देख रहा था और भीषण फायर, पाकिस्तान की आर्टिलरी का फायर, रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन, राइफल, सबका फायर लगातार हमारे ऊपर आ रहा था। इनफैक्ट ये एक अटैक था जिसमें 3 अधिकारी 3 ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हुई थी। किसी अटैक में 3 ऑफिसर्स की कैजुअल्टी नहीं हुई, एक अटैक में मेजर आचार्य, कैप्टन विजयन, कैप्टन कैंग्रूस, वो इन लोगों ने वीरगति दी। और जब हम एनिमी के काफी पास पहुंच गए थे अचानक एनिमी का एक गोला बिल्कुल हमारे पास गिरा और मैंने अपने साथी को बचाने के लिए उसके हेड को नीचे डाउन किया कि सीधा हम जमीन पे लेटते हैं जब गोला आता है उससे बचने की टेक्निक, लेकिन उसका सिर तो बच गया लेकिन उतने टाइम में वो गोला मेरे बाएं हाथ को चीरता हुआ निकल गया। और कुछ पल के लिए इतनी ठंड होती है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड था, मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, मुझे लगा कुछ हुआ गरम गरम बट रियलाइज नहीं किया कि बॉडी का एक पार्ट निकल चुका है और इतनी गंभीर चोट है। सडनली सारा ब्लड जब नीचे आके शुरू हो गया बहना तब मैं रियलाइज किया कि मेरा तो पूरी हथेली वहां से गायब थी। हाथ दिखाइए, आप अपना हमें हाथ दिखाइए जहां वो चोट लगी थी आपको। या तो अभी इस पे काफी प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशंस बहुत हो चुके हैं लेकिन फिर भी ये काफी बेटर है, लेकिन फिर भी पूरा सही नहीं हो पाया है। ये हाथ अगर आप नहीं लगाते तो वो साथी उसे कैजुअल्टी हो जाती, सिर पे चोट लगती और मृत्यु हो जाती उनकी। जी, क्योंकि उसके सिर वहां पे था जिसको नीचे करके सारा इम्पैक्ट हाथ पे आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप इस हालत में, और जो मेरा बड़ी था जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था उसने मुझे बोला साहब आपका लगातार इतना खून बह रहा है, अब आपको इसको पट्टी बांध के, हम एक फील्ड ड्रेसिंग छोटी सी होती है ड्रेसिंग, उसको कैरी करते हैं सब लोग, और उसको बांध के मैंने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर बांध लिया कि जिससे मेरा ब्लड लॉस कम हो। और वो मुझे बोलता है साहब आपको इमिडिएटली वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इस जगह से जहां पे आपको पहली मेडिकल असिस्टेंट मिल सकता है वो भी लगभग 4-5 घंटे दूर है यहाँ से, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए थे अपने बेस से और हम एनिमी की लोकेशन के बहुत पास थे। लेकिन आप देखिए कंडीशंस को, उस समय मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि अगर उस समय आर्टिलरी का गोलाबारी एनिमी के ऊपर रुक जाती तो जैसे मैंने बताया एनिमी बाहर निकल आता अपने बंकर से और हमारे जो कमांडोज ऊपर चढ़ रहे थे उसमें से एक एक को चुन चुन के मार सकता था। तो मुझे आर्टिलरी का वो फायर डायरेक्ट करते रहना था और इसीलिए मैंने वो एक कपड़ा और ड्रेसिंग अपने हाथ में बांधी, हाथ अपने सिर के ऊपर बांधा और कंटिन्यू डायरेक्ट रखा फायर को करना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था क्योंकि ब्लड लगातार बह रहा था पानी की तरह और अधिकतर लोगों की डेथ इसी वजह से हुई थी। कुछ देर बाद इतना ब्लड निकल चुका था इन सबके बावजूद कि मैं मूर्छित हो गया और फिर मुझे तभी होश आया जब उन्होंने मेरे ऊपर बहुत पानी डाला, बर्फ डाला। बट जब तक हमारा काम हो चुका था और हमने उस 3 पिंपल्स एरिया पे विजय प्राप्त कर ली थी, बट मेन था कि अब आप कैसे सरवाइव करेंगे, आप कैसे वापस जाएंगे क्योंकि आप अपने जगह से 4-5 घंटे दूर हैं। जी, तो
मैंने बोला मैं केवल अपने एक सैनिक को लेके जाऊंगा, और मेरा इंस्ट्रक्शन एक ही था कि जब भी मैं बेहोश होकर दोबारा गिर जाऊं, आप मुझे पानी डालो, बर्फ करो, बट मुझे होश में लाओ। वो मेरे जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट वॉक थी, सबसे डिफिकल्ट पल थे, क्योंकि शायद फिजिकली एक एक कदम लेने की हिम्मत नहीं बची थी, बहुत ब्लड निकल चुका था, शारीरिक रूप से शक्ति क्षीण हो चुकी थी, लेकिन मेंटली मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे अपने देश के लिए मरना नहीं था, मुझे देश के लिए फिर जीना था, जिससे मैं फिर लड़ सकूं, अगले अटैक के लिए जा सकूं। और 5 घंटे में लगभग वो सफर, एक एक बार मैं कितनी बार गिरा, मेरा पूरा चेहरा कट चुका था, चेस्ट पे हजारों निशान थे पत्थरों के, गिरने के कितनी जगह, ब्लड बुरी तरीके से बह रहा था उन चट्टानों पे, लेकिन फिर भी 4 घंटे बाद लगभग मैं उस जगह पहुंचा, फार्म बेस पे, जहां डॉक्टर वासु जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे वो मुझे दिखे सामने, और शायद बस उसी समय मैं जो मेंटल अपने आप को कैरी कर रहा था वो बेहोश हो गया उस समय। और फिर मुझे 2 दिन बाद ही होश आया जब मैं श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में था और मेरे ऊपर 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे। ये सोचकर, ये पूरी कहानी सुनकर आपने तो बहुत आसानी से इसे बता दिया, लेकिन वो जो पल रहा होगा, हम ये सोचकर भी, तभी जब हम फिल्मों में देखते हैं उन पलों को और एक एक्टर उसे जीता है, तो उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है उस पल को पर्दे पर लाना। और आपने, क्योंकि विक्रम बत्रा का नाम लिया, उनके ऊपर फिल्म भी आई, और उनकी बातें आज भी युवाओं को मोटिवेट करती हैं, ये दिल मांगे मोर और न जाने कितनी सारी उनकी बातें, उनका जज्बा, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है, तो किस तरीके की वो एनर्जी थी उस वक्त वॉर फेयर के दौरान? आप युवा, विक्रम बत्रा, ऐसे बहुत सारे हमारे सैनिक, किस तरीके का जज्बा होता था आप लोग का? बात क्या करते थे आप लोग? स्ट्रैटेजी कैसी होती थी? क्योंकि ये जो मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, इसमें कोई वॉर फेयर स्ट्रैटेजी नहीं थी, या तो अपने सीने पे गोली लो या दुश्मन के सीने को छलनी करो, ये तो वही स्ट्रेटजी थी। सो स्ट्रेटजी थी कि किस डायरेक्शन से अटैक करना है, किस समय फायर शुरू करना है। कई बार हम लोग एक जगह से मेन अटैक शुरू करते थे जिससे एनिमी अपना फायर उस तरफ करे, बट मेन अटैक दूसरी तरफ से लाते थे, तो बहुत सारी स्ट्रेटजी थी। बट आपने एक चीज सही कहा, इस लड़ाई में बिना जोश, बिकॉज ये एक ऐसी लड़ाई थी कि आपको पता है कि आप डेफिनेट मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तो जब मैं और कैप्टन विक्रम बात कर रहे थे, इनफैक्ट हम वी वर रिफ्लेक्टिंग, हम अपनी लाइफ के को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि जीवन हमें किस मोड़ पे लेके आ गया है। कुछ समय पहले हम लोग अपनी एकेडमी से पास आउट हुए थे, और ये लड़ाई इतनी अचानक हुई कि किसी को पता नहीं था कि कैसे टर्न लेगी और इतनी जल्दी। लेकिन हमें इस बात का हमेशा एक बहुत बड़ा गर्व था, हम दोनों को और बाकी को लोगों को भी, जैसे मेरे साथ कैप्टन विजयन थापर थे, मेजर आचार्य थे, इस बात का गर्व था कि हमें देश के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, ये मौका सबको नहीं मिलता है। 1971 में लास्ट लड़ाई हुई थी, उससे पहले 28 साल पहले, और आज भी इस लड़ाई को 25 साल हो गए, तो 50 साल में, 53 साल में एक लड़ाई हुई है। और उस लड़ाई में भी, क्योंकि वो पहाड़ों में थी, बहुत लिमिटेड लोगों को ये मिला कि आप इस लड़ाई में जाएं और अपने देश को करें। तो मैं तो कहूंगा ये एक सौभाग्य था, क्योंकि जैसे हम शपथ लेते हैं कि मेरा देश सबसे आगे आएगा, उस यूनिफॉर्म की शान के लिए हमें ये लड़ने का मौका मिला, तो हमें बहुत इस बात का प्राइड था। और मैं और विक्रम हमेशा कहते थे कि ये हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें देश के लिए लीड करने का मौका मिला है। और जी, उस समय तक हम टोलोलिंग जीत चुके थे, तो हमने इतनी बड़ी जीत अपने देश के लिए हासिल करी है। तो लाइफ में मैं आज भी कहता हूं कि टोलोलिंग की जीत से बड़ी मेरे लाइफ में, अभी मैं टाटा कम्युनिकेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारे दूसरे काम मैंने किए हैं, बेस्ट अचीवर, बेस्ट एम्प्लॉय, बहुत सारे अवार्ड दिए, लेकिन उस जीत से बढ़ के कोई उसके आसपास भी नहीं आएगा। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, देश के लिए कर रहे हैं। और विक्रम बहुत जोश वाला था, हमेशा वो आगे बढ़ के एनिमी की तरफ कि मैं पहला अटैक लीड करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। और जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा था, मैंने कैप्टन विक्रम को बोला कि एनिमी स्नाइपर्स का यूज करता है। सो स्नाइपर क्या होता है कि जब आपका मेन एनिमी एक तरफ बैठा है, लेकिन स्नाइपर्स थोड़ा आपके 90 डिग्री साइड से आ जाएंगे, और क्योंकि आपको लगा कि आपका एनिमी का फायर सामने से आएगा, बट वो साइड से खास तौर से लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरा अटैक विफल हो जाए।
और तो मैं कैप्टन विक्रम को बोल रहा था कि आपको स्नाइपर से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो गोली एक अलग एंगल से आती है और बहुत नुकसान कर सकती है। बट कैप्टन विक्रम वॉज ऑलवेज फुल ऑफ जोश, और उसने मुझे बोला सर आपकी नई नई शादी हुई है और मैम आपकी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है बट डोंट वरी, अभी तक तो वो गोली ही नहीं बनी पाकिस्तान के अमनीशन डिपो में जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। तो ही वॉज फुल ऑफ जोश और हम उसे हमेशा बोलते थे विक्रम जोश के साथ होश भी रखना है, बट वो उसकी एक पर्सनैलिटी थी, एनर्जी थी, जोश था जो सब में, जवानों में, सब लोगों में वो था कि यू नो वी वर ऑल चार्ज्ड अप टू गो। तो ये एक हमारा काम भी होता है अपने जवानों को मोटिवेट रखना, एंड आई थिंक वो हम सब ने किया, अटैक आगे से लीड किया और सबसे आगे वो जोश बनाए रखा। एक और बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये तो अपने जब साथियों को आपने खोया लेकिन उनके बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरीके का जोश होता है, लेकिन जब वॉरफेयर में अपने इर्द गिर्द वो जो स्नाइपर्स की गोलियाँ चलना, बाकी गोलियाँ चलना, अपने इर्द गिर्द जब आप देख रहे होते हैं कि आपके सैनिक गिर रहे हैं, मौत के मुँह में जा रहे हैं, उस वक्त क्या सोच होती है? क्या थोड़ा सा एक फॉलबैक आता है कि अरे पहले इसको देखें, अब ये नहीं रहा जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ लड़ रहा था वो अब नहीं रहा, या फिर सिर्फ आगे बढ़ने का जज्बा रहता है, जो पीछे छूटा वो छूटा, बाद में देखेंगे, पहले दुश्मन पे विजय पाना है, क्या उस वक्त माइंडसेट होता है सैनिक का? सो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, क्योंकि वो मेरे साथी सैनिक ही नहीं है, वो एक तरह से मेरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप जुड़े हुए हैं उनसे, जुड़े होते हैं, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में साथ रहते हो तो आप बहुत क्लोज हो जाते हैं। जैसे विक्रम उन कुछ ही दिनों में ही वॉज लाइक माई यंगर ब्रदर, कैप्टन विजयन वॉज लाइक माई यंगर ब्रदर, और ये आसान नहीं होता कि आप साथ जा रहे हैं और एक पल में आपका साथी लहू लुहान पड़ा है, आपकी बाहों में पड़ा है, और फिर भी आपको जो एक तरह से वो आपका फैमिली मेंबर है, आपका भाई जैसा है, आपका बहुत क्लोज है, हम कहते हैं दे आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, शायद वो दूसरी माँ के बेटे हैं जो हमारे भाई हैं, उस समय भी आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप उस समय रुके तो उनकी जो शहादत है, जो उनका बलिदान है, वो व्यर्थ होगा। तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, परिवार जैसे लोगों को, मृत्यु हो रही है उनकी लेकिन आप एक पल भी उनके साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस लक्ष्य को पाना जिसके लिए उन्होंने वीर गति दी है। तो हम ये शपथ लेते हैं कि आपने ये बलिदान दिया है लेकिन मैं इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं वो हम पाके लेंगे, चाहे मुझे खुद उसके लिए बलिदान देना पड़े। तो ये हमें बहुत जोश देता है। हाँ, ये एक ऐसा पल होता है जो पेन और प्राइड, आज भी जब मैं हॉस्पिटल में भी था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं रात रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि एक आपका दर्द है वो तो आप सहन कर सकते हो, लेकिन ये जो इमोशनल चीज होता है, आपको रात में उन लोगों को एकदम से आप उठ जाते थे कि वो आपके साथ खड़े हैं, एकदम से लगता था कि एनिमी की गोली लगी, तो वो पल आज 25 साल हो गए हैं बट फिर भी वो मेरे सामने ऐसे ही जीवंत है जैसे 25 साल पहले थे। और इसीलिए उन सबको ये सही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये करने बताने के लिए कि क्या बलिदान दिया है, जो ये हमारी स्वतंत्रता, ये फ्री नहीं है, इसके लिए हर कोई बलिदान दे रहा है, इसीलिए हमने ये मैसेज सबको पहुंचाने के लिए कि क्या होता है आर्मी, क्या क्या कर रही है अपनी, हमारी, जिससे हम आराम से सो सके, ये बुक लिखी गई है। इसका मेन पर्पस कोई कमर्शियल नहीं है, इसका मेन पर्पस है वो मकसद देना। कारगिल युद्ध अगर आप देखिए, वीरता और देशभक्ति की सत्य गाथा, इसमें एक एक चीज सही लिखी गई है उस वार के पलों से। तो मैं अपने देशवासियों को भी ये कहना चाहूंगा कि हम कितने लोग अपंग होकर आते हैं, मैं एक डिसेबल्ड वॉर वेटरन संस्था के साथ काम करता हूं, हमें लगता है कि हम तिरंगा फहरा के 15 अगस्त और 26 जनवरी को शायद अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कितने वॉर डिसेबल्ड सोल्जर हैं जो आज भी हर पल जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं? क्या हम में से किसी को ख्याल है कि जिसने अपनी लाइफ दी हमारे लिए, हम उसके लिए कुछ एक पल में जाके थैंक यू भी बोल दें या उसके लिए नतमस्तक हो जाएं? और कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो अपने वीर योद्धाओं को, जो खुद लड़के आए, जिन्होंने अपने अंगों का बलिदान दिया है, खून बहाया है, उनका सम्मान करेगा। तो मैं ये डेफिनेटली आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत सारे अपंग सोल्जर्स हैं
जिनको सरकार से लेके सोसाइटी से लेके हर कोई भूल गया है। हम आज दो बार लोगों को झंडा फहरा के याद करते हैं और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जब तक ऐसे वीर नहीं रहेंगे, लोग अपने बेटों को अपने हस्बैंड को आर्मी में नहीं भेजेंगे और देश हमारा जो सुरक्षित है और महान है वो नहीं रह पाएगा। तो आप हमेशा इन लोगों का सम्मान करिए, ये हमारा एक सबसे बड़ा फर्ज है कि हमें एक ऐसे सिटीजन बनना है जिसके लिए हमारी आर्मी, हमारे योद्धा जो खुद लड़े हैं, वो उन पे प्राउड हो सके। दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कही कि एक वो जज्बा कि हम अपने बच्चों को सेना में भेजें, देश की सेवा के लिए भेजें, और दूसरा कि अगर हमें वो अवसर नहीं मिल रहा है तो कम से कम जो बच्चा जो बेटा गया है सेना में उसके लिए हम सम्मान करें, ना सिर्फ कारगिल विजय दिवस पर या 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, बल्कि हर दिन एक प्रार्थना तो उनके लिए होनी चाहिए, एक सलाम उनके लिए होना चाहिए। एक बात मुझे और आप बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है ये सब कुछ जब वॉर डिक्लेयर होता है, इस दौरान किस तरीके से एकजुटता जो है, क्या वो भी एक अस्त्र है जो लड़ाई जो जीती जाती है उसमें, क्या हम माने कि हम हमेशा वॉरफेयर में रहते हैं, पूरी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जब वॉर डिक्लेयर हो जाए वो तैयारी बिल्कुल सामने आ जाए, जैसे एक खिलाड़ी साल भर प्रैक्टिस करता है अपनी एक टूर्नामेंट के लिए, आपको नहीं मालूम कि आपको कब लड़ाई पे जाना है, लेकिन क्या साल भर आर्मी उसी मोड में रहती है, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हमेशा तो लड़ाई नहीं होती है, बहुत आराम की जिंदगी होती है, हाँ आराम से लोग अलग अलग पोस्टिंग पे जाते हैं, लेकिन क्या हमेशा एक टेंशन वाला ही माहौल रहता है, ऐसा ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है? जी हाँ, देखिए दो चीजें हैं। जैसे अगर आप वर्ल्ड में 100 मीटर लीजिए तो वो 100 मीटर जिसने 10 सेकंड से पहले समय निकाला वो केवल 10 सेकंड के लिए दौड़ा, लेकिन उस 10 सेकंड में आने के लिए उसने 20 साल कड़ी मेहनत करी है। तो उसी तरीके से आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो हर समय आपको उस पल के लिए तैयार करती है। जैसे मैंने बोला 50 साल में लड़ाई तो एक ही बार हुई है, लेकिन अगर वो पल पे आप तैयार नहीं होते तो क्या दुश्मन तो फिर कारगिल नहीं, वो दिल्ली में घुस के आता, आपके घरों में नरसंहार करता। तो हर पल तैयार रहना होता है। दूसरा, एक तो वो लड़ाई होती है जब दुश्मन में, जैसे कारगिल वॉर 71, बाकी टेररिज्म से हमारी जो हमारा देश में इतना ज्यादा आतंकवाद है वो लड़ाई तो हर समय चलती रहती है। आज भी हमारे जो सैनिक है वो गलवान की पहाड़ियों पे, कारगिल की पहाड़ियों पे, सियाचिन की पहाड़ियों पे 24 घंटे मुस्तैद खड़े हैं, जहां पे एक एक पल रहना, जिंदगी से जंग लड़ना है, मौत को जीतना है। अगर आप वहां पे 4-5 दिन खाली स्टे कर दिया क्योंकि वेदर एनिमी अभी भी वहां पे साजिश करता रहता है, तो आर्मी को हर पल के लिए तैयार रहना होता है और उसके लिए आपकी ट्रेनिंग और आपका जो बाकी एनवायरमेंट है वो आपको उसी पल के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि जिस दिन वो पल आएगा और अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो फिर पूरे देश का अस्तित्व मिट सकता है। एक सवाल मेरा युवाओं के लिए है आपसे, क्योंकि आज के युवा इतना मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, डिप्रेशन की इतनी समस्याएं हैं, और उसके बाद जब आप विक्रम बत्रा जैसे जिसे हम कहें जिन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया उनके उनकी बात करते हैं, कैप्टन विजयन थापर की बात करते हैं, क्या आप अपने मोटिवेशनल स्पीक में इनके बारे में बताते हैं, युवाओं को इनसे क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, जिसे हम कह सकते हैं कि फिजिकली अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है, तो ये तमाम जो गुर हैं, मैं चाहती हूँ कि आज इस कारगिल विजय दिवस पर आप हमारे युवाओं को वो उनके अंदर बातें डालें कि क्या डिसिप्लिन जरूरी है, आर्मी वाले डिसिप्लिन को अगर हम अपनी लाइफ में ले आए तो शायद हर हर फ्रंट पर जीत सकते हैं, हमारे युवाओं को जरूर आप प्रेरित करें अपनी बातों से। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लाइफ में आज की डेट में छोटी सी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम गिवअप कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद हम लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए दो ही चीज बोलता हूँ कि देखिए, लाइफ जो आपके ऊपर थ्रो करोगी आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कारगिल हुआ, जो भी एनिमी ने पोजीशन ले ली, या कोविड आया, कुछ भी होता है लाइफ में, आप लाइफ की उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि आप विक्टिम बन जाए कि हर चीज मेरे अगेंस्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपका माइंडसेट भी उसी तरह सोचना शुरू करता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपका एक विनर्स एटीट्यूड होता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे पास ये डिफिकल्टी आई है लेकिन मैं इसको पार करके दिखाऊंगा, मैं लाइफ से ये बोलूंगा
कि वाई मी, मैं ये नहीं बोलूंगा वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा, बल्कि मैं बोलूंगा ट्राई मी, आओ मैं आपसे लड़ता हूं। तो अगर, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज की डेट में हम पुराने रामायण में पढ़ते हैं, महाभारत में जो हमारे हीरोज हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब हीरो से ज्यादा आज की मॉडर्न डेट में हमारे पास अपने हीरो हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, कैप्टन मनोज पांडे, हमें, मैं जैसे आपको बोल रहा था, तब इस बुक को लिखने का यही पर्पस है, और इसमें उन सब के बारे में लिखा है कि कैसे विपरीत परिस्थिति में आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है और आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है एंड यू हैव गॉट द एटीट्यूड टू नेवर गिव अप, लक्ष्य आपको मिलेगा। और दूसरी बात, आप अपने देश के लिए, जरूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहन के ही सर्व करें। आप मीडिया में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर आप अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के साथ करें और राष्ट्र प्रथम की फीलिंग रखें कि व्हाट एवर हैपन नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, तो हमारे राष्ट्र को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी अपनी जिंदगी में भी जो पॉजिटिविटी होगी वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे, कारगिल युद्ध पे कई फिल्में बनी हैं, आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, कौन सा किरदार, या यूं कहें कि कोई ऐसा सीन जो आपको लगता है कि हाँ इस फिल्म में ये बिल्कुल सटीक सीन दिखाया है तो हम भी जान सके कि हाँ ये सीन बिल्कुल रियल है। वैसे तो काफ़ी कुछ लिखा जाता है इंस्पायर्ड बाय दिस वॉर, इंस्पायर्ड बाय दिस कैप्टन, और जो भी हमारे शहीद हैं, आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है और कौन सा सीन या किरदार? तो काफ़ी फिल्म बनी है, जब LOC कारगिल बन रही थी उस समय हम लोग हॉस्पिटल में थे और JP दत्ता की यूनिट वहां पे आके, जो प्रोडक्शन की यूनिट थी, काफी टाइम हमारे पास बैठती थी और समझती थी कि क्या रियल सिचुएशन है। थोड़ा कमर्शियलाइजेशन उन्हें करना पड़ता है बिकॉज उनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो काफी चीजें ऐसी भी डाली जाती है मूवी में जो एक्चुअल में ग्राउंड रियल सिचुएशन से अलग होती है, बट फिर भी जैसे गाने डाले जाते हैं और आपका काफी इमोशनल चीजें डाली जाती है, कई बार आप इतनी सच्चाई नहीं दिखा सकते वहां पे जो हम लोग एक्चुअल में दिखा सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि जो लड़ाई है उसका एक एक पल काफी भयानक भी होता है, राइट? तो शायद लड़ाई के बीच में डायलॉग्स नहीं हो सकते, बिल्कुल, और उस समय जो एक एक्टर होता है शायद वो कितना भी कर ले उस मनोस्थिति में नहीं पहुंच सकता जो एक अधिकारी, जो एक सैनिक उससे गुजरा है, मतलब। फिर भी मैं कहूंगा कि LOC कारगिल और शेरशाह दोनों ने काफी कोशिश करी चीजों को हकीकत के पास लाने की और सही पर्सनालिटी पोर्ट्रे करने की। लाइक कैप्टन अनुज नैयर मेरे जूनियर थे और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो जो उनका भी एक किरदार था जिसमें वो लास्ट में अपनी अंगूठी और पर्स अपने CO को देके जाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मन के हाथ लगे, अगर मैं, मेरी मृत्यु हो गई और दुश्मन को मेरी बॉडी मिल गई, राइट? तो वो एक सच्चाई थी, कैप्टन अनुज एक्चुअली अपनी अंगूठी और अपना पर्स CO को देके गए थे, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो ये मेरे फैमिली को, मेरे फैंसी को पहुंचा देना। तो आई थिंक, और आप देखेंगे और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं ये जो कारगिल वॉर और नेशन फर्स्ट, इसके ऊपर एक मूवी या वेब सीरीज बनने की, जो आप देखेंगे कि बहुत ही क्लोज होगी रियलिटी के, उसको हम बिल्कुल कमर्शियल नहीं रखना चाहते, हम इसको बिल्कुल सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे कारगिल युद्ध की। बिल्कुल, वो जज्बा और वो संघर्ष जो युद्ध के मैदान में होता है उसे एक्टिंग में लाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन तमाम बातों को, उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फिल्मों का जो जरिया है उसको हमने देखा है, उन पलों में हमने महसूस किया है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उन सीन्स को हम देखते हैं, उन किरदारों को देखते हैं। और आप बता रहे हैं कि आपने इस पुस्तक पर भी एक वेब सीरीज या फिल्म आएगी जल्द, तो इसका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कैप्टन अखिलेश, जितनी भी बातें आपने हमें बताई हैं ना, उससे जिसे हम कहते हैं ना देशभक्ति के जज्बे से, मतलब कूट कूट कर इस वक्त ओतप्रोत हैं हम। मतलब अगर एक सिविलियन को भी इस वक्त बोला जाए कि तुम उठा लो बंदूक तो वो उठा लेगा, आपकी बातों में वो दम है। और यही दम, ये सिर्फ 26 जुलाई के दिन ना हो, ये साल भर होना चाहिए देश के प्रति, और नेशन फर्स्ट का जज्बा। हम अपने अमर उजाला की तरफ से भी ये कहेंगे कि हमारे सभी देशवासियों के अंदर कूट कूट के भरा रहे, और आपके जैसे
जिसे हम कह सकते हैं कि कैप्टन अखिलेश सक्सेना जैसे शख्स हमारे बीच हैं, युद्ध के मैदान को विजय प्राप्त करके, विजयश्री पाकर और अब समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से सल्यूट है आपको सर। जय हिंद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।